जीवन की जटिलताएं यूं ही कम नहीं होती, सपनों से भरी आँखें यूं ही नम नहीं होती, शूलों पे खिलके भी जाने क्यों मुरझा गए, सच्चाई यूं ही तो भर भर आँख नहीं रोती, जीवन की जटिलताएं यूं ही कम नहीं होती, सपनों से भरी आँखें यूं ही नम नहीं होती, जल उठी शम्मा तो परवाने आ गए, यूं ही तो परवाने जल जल के नहीं मरते, जीवन की जटिलताएं यूं ही कम नहीं होती, सपनों से भरी आँखें यूं ही नम नहीं होती, सागर में मछली ने घर अपना बनाया है, जल बिन यूं ही तड़प के तो मछलियां नहीं मरती, जीवन की जटिलताएं यूं ही कम नहीं होती, सपनों से भरी आँखें यूं ही नम नहीं होती, दुख पड़ने पर सब ही तो अजनबी बन जाते हैं, यूं ही तो अंधियारे में साए गुम नहीं होते, जीवन की जटिलताएं यूं ही कम नहीं होती, सपनों से भरी आँखें यूं ही नम नहीं होती। बगिया बगिया बालक भागे, तितली फिर भी हाथ न लागे, इस पगले सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना, सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना, सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना, सपनों से भरे नैना तो नींद है न चैना।
फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेकर आते हैं उस सेलिब्रिटी को जिसे चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आला मारा से लेकर रेडी तक के गीत, गजल, भजन, पेट्रियोटिक, फिल्मी, नॉन फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि हमारी सेलिब्रिटी की पसंद की हो, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही क्योंकि उन गीतों को आपके ही पसंदीदा सेलिब्रिटी तो चुनकर लाए हैं बड़ी शिद्दत से आपके लिए, संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत चुनकर। और दोस्तों, अगली बार आपकी महफिल में आप किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं और आप सुनना चाहते हैं हमारे पहले सेशन के किसी मेहमान को या फिर झलकियों को, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे अपने उन सभी लिस्नर दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanorachna.org पर भी। और दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, आज मैं जिस कवि शायर को लेकर आई हूँ, आप हैं बहुत बड़े हमारे देश के जाने माने रचनाकार डॉक्टर चरणजीत सिंह सागर जी। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका बहुत 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 स्वागत है। जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इतने बड़े आप रचनाकार हैं, तो वो कौन सा क्षण था, वो कौन सा समय था, वो कौन सी प्रेरणा थी जिसने आपको कलम उठाने पर मजबूर किया? सबसे पहले मेरे दोस्तों का भी ये बात बताऊंगा। दरअसल ऐसा था कि मैं जब से मैंने होश संभाला, जी, एक तो मेरे घर का वातावरण बड़ा साहित्यिक, बड़ा सुखद वातावरण था, जी, और मेरे घर पर जो पुस्तकें पढ़ने का जो एक सिलसिला था, वो एक अच्छा खासा सिलसिला था। और हमारे यहाँ बचपन में ही मेरी दविंद्र सत्यार्थी हमारे घर के नजदीक रहते थे, और सत्यार्थी साहब जो मेरे साहित्यिक गुरु सबसे पहले वही बने। और मुझे याद है कि सबसे पहली जो उन्होंने मुझे मेरे हाथ में दी कलम, अपनी कलम मुझे दी, इस कलम को आप रखें। क्या उम्र रही होगी? उस समय मैं BA कर रहा था, 75 की बात है, 72 से 75 तक मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। तो कलम ने आपको लिखने पर मजबूर किया कि ये कलम जो है ये मेरा आशीर्वाद है, और इस कलम से आप भले ही ना लिखो, फाउंटेन पेन था और उसमें उस समय इंक भरी जाती थी, और मुझे लगा कि भाई इस पेन को मैं इतना भारी भरकम पेन मैं क्या करूंगा, मुझे तो इतना भी आता भी नहीं है। तो मुझसे उन्होंने मुझे एक कविता सुनाई और मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि आप मेरा ये आशीर्वाद है कि आप एक अच्छे कवि बनेंगे, एक अच्छे लेखक बनेंगे और इस देश को, इस समाज को कुछ दे पाएंगे। वो कलम मेरे लिए एक धरोहर बन गई, और मेरे घर पर क्योंकि वातावरण था, मुझे याद है कि बचपन में मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मेंबर बना। क्या उम्र रही होगी उस समय? मैं कोई 17-18 साल का रहा, लड़कपन की उम्र थी, और उस समय तो ज्यादा समय जो है लड़कों का बीतता था गलियों में खेलकर और खूब शोर मचा कर। लेकिन मेरे मन में एक जो था पढ़ने का एक जुनून था, जी, तो मैंने उसके लिए सबसे पहले दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की मेंबरशिप ली। ओके। और ये जुनून ऐसा इस कदर बढ़ा कि मैंने अपने परिवार के भी कुछ सदस्यों के, जो अपने मित्रों के भी कार्ड उस लाइब्रेरी के बनवा दिए। मुझे याद है एक कार्ड पर 3 किताबें मिला करती थी। अच्छा। और महीने भर में मैं कोई 20-25-30 किताबें पढ़ जाया करता था, वो एक बेस बन गया। कोई रचना आपको याद है, क्या लिखा था सबसे पहले? बचपन में मैंने अपनी कविता तो मुझे पुरानी ऐसी कोई याद नहीं, लेकिन एक कविता ने मुझे बेहद प्रभावित किया था। जी, मैं गुजारिश करूंगी हमारे दोस्तों, वो मैं कविता आपको सुनाता हूँ। मेरी जिंदगी की वो पहली कविता थी जिसको मैंने अपनी डायरी में उतारा। वो कविता को मैं अपनी लाइनें सुनाता हूँ कि वीरान हथेली पर टूटी फूटी लकीरें, उम्मीद पर टिकी हुई आधी अधूरी तकदीरें, क्या बात है, क्या बात है। गर्म आहों में दहकता हुआ आरजुओं का तूफान, बहुत खूब। अब कुछ कुछ सर्द हो चला है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही तपते दिल की भट्टी में आत्मा का हाथ चला है, बहुत खूब, बहुत खूब। कांच सी आंखों में झूठी तसल्लियां, पत्थर से होठों पे हमदर्दी की लकीर, बहुत खूब। बेबुनियाद वायदों की जागीर, मेरे नाम लिखने से पहले याद रखना एक बात। कांच सी आंखों में झूठी तसल्लियां, पत्थर से होठों पे हमदर्दी की लकीर,
बेबुनियाद वायदों की जागीर मेरे नाम लिखने से पहले याद रखना एक बात कि ये टुकड़े टुकड़े खुशी ये किश्तों में बटी मुलाकात मुझे पसंद नहीं, इसलिए तुम सपनों का वसीयतनामा फाड़ डालो। क्या बात है, क्या बात। तो इस कविता ने मुझे काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया, तो क्योंकि घर पर वातावरण था ही। आप कितने बड़े थे जब आपने कविता लिखी थी? नहीं, मैंने ये लिखी नहीं, ये किसी की कविता थी जो मैंने अपनी डायरी में उतारी। ओके। तो जो सबसे पहली कविता लिखी मैंने जिंदगी पर लिखी। जी, याद है आपको? वो कविताएं मुझे ऐसा नहीं याद, क्योंकि वैसे कुछ क्या था वो जीवन का सार था कि मैंने लिखा था जीवन क्या है। कभी मैंने उसको जो एक बालक जीवन के बारे में सोचता है कि जीवन क्या है, चट्टान की तरह है, जीवन क्या है समुद्र की तरह है, जीवन क्या एक जंगल की तरह है, तो उसमें कुछ रिश्तों की उलझने, कुछ इस तरह की चीज ज्यादा। देखिए, जीवन का मर्म जानने की इच्छा थी मेरे मन में, लेकिन उसके बाद जो मुझे एक नया शौक पैदा हुआ वो था कविताएं पढ़ने का। अमूमन ये होता है कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं, बहुत से कम लोग हैं जो कविताएं पढ़ना चाहते हैं, कविताएं पसंद करते हैं। और मैं एक शरारत भी मुझे याद आती है कि जब मैं लाइब्रेरी का मेंबर था तो पेंसिल से हर किताब के पुष्ट पर एस लिख दिया करता था कि मैंने पढ़ ली स्टडी। जब रैक में किताबें लगी होती तो एस लिखा होता था, वो दोबारा मैं किताब छूता नहीं। तो एक ये बड़े परेशान थे लाइब्रेरी वालों, ये एस कौन लिख जाता है। तो एक दिन मुझे जब मैं किताबें वापस करने गया तो पकड़ा गया, तो मुझसे कहा कि आपने कहा, हाँ मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्टडी। तो बोले यार ये तो गलत है बात, अब इन सब मुझे एक रबड़ दिया गया कि उसको सबको मिटाइए, सजा। तो ये एक सजा दी गई, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा ये था कि उस लाइब्रेरी की मैंने लगभग सभी कविताएं जितने वहां काव्य संग्रह उपलब्ध थे वो सब पढ़ डाले। तो कविताएं पढ़ने का एक शौक पैदा हो गया। फिर मेरे मन में एक हिंदी कविता को तो था ही, उर्दू कविता की तरफ मैं मुड़ गया। जो प्रकाश पंडित ने एक बहुत बड़ा काम किया था, जो उर्दू के साहित्यकार हैं, उर्दू के बहुत बड़े नामवर शायर थे, उनको उन्होंने देवनागरी में किया था। तो लगभग सारे ही शायर मैंने पढ़ लिए। और अभी आप जो कह रहे थे ना कि आप बड़े टाइम निकाल के आप लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा था, गुजारिश करूंगी गुनगुना दीजिए। जी, दिल ढूंढता है फिर वही। देखिए गुनगुनाने की फरमाइश ना कीजिए। एक लाइन, दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन।
फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारे बेहद ही खास मेहमान है डॉक्टर चरणजीत सिंह सागर जी। डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत जी बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगी एक रचना उसमें से हमारे दोस्तों में एक कविता जो मुझे थोड़ा सा याद है मैं आपको सुनाता हूँ। पंजाबी में है वो कविता, ए रुत मेरी यो बीती जिवे उम्र बितानी है। वाह। ए रुत मेरी यो बीती कि जिवे उम्र बितानी है, सरापियां मर चुकियां बीतियां उम्रा तो लम्मी मेरी कहानी है। हजारा वार इसे तरह ही मैं जी चुकिया मैं मर चुकिया। क्या बात। हजारा वार इसे तरह ही मैं जी चुकिया मैं मर चुकिया, पता नहीं होर किन्नी को मैं गम दी रुत हंडानी है, पर फिर सोचता हाँ मैं हाला होर जीना है। वाह। सफर कई उम्रा दे मैं तय कर चुकिया, मैं जिन्ना जी चुकिया मैं उन्ना मर चुकिया, मेरे गुनाहा दा हिसाब मैं थो ना पूछे कोई, बिता के जिंदगानी ये गुनाह कर चुकिया, हर एक मोड़ तो गुजर चुकी है जिंदगी, मैं अपने आप नू हर तरह तबाह कर चुकिया, पर फिर सोचता हाँ मैं हला होर जीना है। क्या बात है। मुझे एक बात से मैं गुरेज करता रहा, वो था कि महफिलों में जाकर कविताएं पढ़ना। मुझे लगता था कि मैं स्टेज ही कभी कभी नहीं बन पाऊंगा, मंच के कवि मंच का कवि नहीं बन पाऊंगा। और लेकिन मुझे मैंने मन में सोच लिया कि भाई मुझे दो बातें सोच ली कि मुझे कालिदास की तरह रहना है या मुझे गुलशन नंदा की तरह रहना है। क्या मुझे कालिदास और गुलशन नंदा का क्या ये ऐसा था क्या कंपैरेटिव स्टडी कर रही थी आपने? अमृता प्रीतम और महादेवी वर्मा पर भी सोचा था? जी जी, जी हिंदी और उर्दू पंजाबी। मैं बाद में बताता हूँ कि शोध कार्य जब मैंने किया था तब मैंने मेरे मन में इस प्रकार की सोच पनप गई थी कि मैं इस पर भी काम करूँ। जी जी। तो गुलशन नंदा और कालिदास का ये था कि या तो बिल्कुल गंभीर साहित्य रचा जाए, ओके, तो या फिर इस तरह का साहित्य रचा जाए जो सामाजिक जैसे नॉवल है वो आपके दो रुपए में वहाँ पटरी पर भी बिक सकते हैं, तो कालिदास को आप नहीं बेच सकते हैं। तो मेरे मन में एक बहुत मंथन था कि मैंने साहित्य को किस रूप में लेना है। ओके। तो मैं बिल्कुल गंभीर हो गया साहित्य को लेकर। जी जी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और लिखना शुरू किया। जी जी। उन चार सालों के दौरान मैंने जो किताबें लिखी जो मैंने कविताएं लिखी वो लगभग सभी पंजाबी के पत्र पत्रिकाओं में छपी, जागृति में छपी, देश पंजाब में छपी, ट्रिब्यून में छपी, अजीत में छपी, तो इस तरह के जो अच्छे अखबार अच्छे पत्रिकाएं थी उनमें मेरी कविताएं छपती रही। जी जी जी। अब आपने कवित्रियों पर जोखिम भरा भी कोई काम किया है और महिलाओं पर बहुत काम किया, इसके बारे में हमारे दोस्त। असल में क्या हुआ कि यहाँ ये एक क्योंकि मैं लिखता रहा पंजाबी और हिंदी दोनों मेरी भाषाओं में मैं काम करता रहा और इधर उर्दू में भी मैंने काम किया, उर्दू में काफी सारी गजलें लिखी। जी तो ये एक बहुत एक अच्छा काम बन गया क्योंकि जब मैं उर्दू गजलें कह रहा था तो बाकायदा मैंने गजल की जो टेक्निक है गजल की जो तकनीक है मैंने उसको सीखा। ओके। और गजल की जो टेक्निक है जो उसका मीटर है
जी जी। जो उसमें काफिया रदीफ को निभाया जाना है, जो गजल में मतला है, मक्ता है, जो जी जी। गजल की जो बेसिक बुनियादी जो शर्तें हैं वो मैंने गजल की सीखी। गजल और गजल में फर्क मुझे समझ आया कि बड़ा मेहनत का काम है। गजलें कहना तो बहुत आसान है, गजल तो बड़ी मुश्किल से होती है। एक गजल हमारे दोस्तों को दे दीजिए। तो मैं एक जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रिश्ते नातों पर मैंने बहुत सी गजलें लिखी। जी जी, स्वागत। माँ पर एक मैं गजल मैं आपको सुनाता हूँ, और एक उसके बाद आपको बाबूजी पर भी। स्वागत स्वागत। कि कितने देवी देव मनाए अम्मा ने, कितने देवी देव मनाए अम्मा ने, तब ये पांचों बेटे जाए अम्मा ने। वाह वाह वाह, क्या बात। घर घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर, ओहो, घर घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े कर, पांचों बेटे खूब पढ़ाए अम्मा ने। अपनी गुदड़ी को वो रख कर भूल गई, वाह, अपनी गुदड़ी को वो रख कर भूल गई, लेकिन अपने लाल सजाए अम्मा ने। वाह वाह। अपने को हर चीज की खातिर तरसाया, वाह, अपने को हर चीज की खातिर तरसाया, बच्चों के सब नाज उठाए अम्मा ने। अम्मा ने, वाह वाह। अपनी एक पल भी कोई परवाह ना की, बस बेटों के भाग बनाए अम्मा ने। वाह वाह। और सब बहुओं को बेटी जैसा प्यार दिया, सब बहुओं को बेटी जैसा प्यार दिया, लेकिन सबसे ताने खाए अम्मा ने। वाह। और इसका मक्ता था कि घर में एक कोना तक नहीं मिला उनसे, घर में एक कोना तक नहीं मिला उनसे, जिन सबके घर बार बनाए अम्मा अम्मा ने। वाह। तो ये माँ का एक जो कंट्रीब्यूशन था, तो उस पर मैंने एक गजल ये कही। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफतन, और दुपट्टे से तेरा वो छुपाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन लेकर। और दोस्तों, मैं जिस गजलकार को आपके लिए लेकर आई हूँ, आप हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह सागर जी, बेहद ही खास हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप ने पंजाबी की श्रेष्ठ कहानियों पर भी बहुत सारा काम किया, आपने बाल मनोविज्ञान पर भी बहुत सारा काम किया, आपने फिल्मी गीतों में साहित्य जिसमें आपने नारी श्रृंगार संयोग वियोग मेले त्यौहार पर बहुत काम किया, आपने भरत व्यास वगैरह जो हमारे बड़े बड़े गीतकार हैं इन पर बहुत सारा काम किया, सारा कुछ प्रकाशनाधीन है। और मैं अभी आपसे पहले पूछ रही थी पंजाबी और हिंदी पर आपकी कंपेरेटिव स्टडी है, आपने मेरी बात गोल कर दी, अमृता प्रीतम और महादेवी वर्मा और जी। सफर के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। थोड़ा सा इसका बुनियाद बेसिक था मैं कि जब मैं चंडीगढ़ के दौरान में मैंने वहाँ से पटियाला से एमए शुरू ज्वाइन कर ली, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, तो मैंने एमए पंजाबी वहाँ से की, तब मुझे लिखने का और भी लेवल बढ़ गया। उसके बाद मेरा जब दिल्ली में तबादला हुआ तो मैं यहाँ पर दिल्ली में जब मैं आया तो मेरी यहाँ पर 2-3 किताबें गजलों और गीतों की छपी, तो तभी मैं एक उर्दू के बहुत नामी ग्रामी शायर थे डॉक्टर कामिल कुरैशी साहब, तो इंतकाल फरमा गए, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मैंने उनसे गजल की टेक्निक सीखी। अच्छा, तो ये मेरा सिलसिला चलता रहा। फिर मैंने उन दिनों एमए हिंदी ज्वाइन कर लिया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अब जब मेरे पास दोनों एमए हो गई पंजाबी और हिंदी में, तो मैंने ये मन में बनाया कि मुझे अब पीएचडी करना है। तो पीएचडी के लिए मेरे पास बहुत से, जैसे भी आप बात कर रहे थे, तो मैंने जो ये विषय चुने तो उसमें सबसे पहले जो मेरा विषय था, मैं डॉक्टर हरभजन सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे उनके बहुत, मैं उनके बहुत मुझे स्नेह करते थे, तो मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे 2-3 जो विषय सुझाए। इधर करोड़ीमल कॉलेज में अजित कुमार जी जो थे मैं उनके पास भी गया, तो डॉक्टर महीप सिंह के पास भी गया, तो मैं बहुत से जो नामी ग्रामी लेखक हैं उनके, डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल के पास भी गया कि मुझे इस पर पीएचडी करना है और मैं चाहता हूँ मैं हिंदी में काम करूँ पंजाबी में काम करूँ, मेरा कंपैरेटिव स्टडी जैसा काम। तो जो मैंने उन्हें विषय सुझाए, जो मैंने उनको जिस पर काम करना चाहा, वो था महादेवी वर्मा और अमृता प्रीतम के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन या फिल्मी गीतों में साहित्य, या फिर सच्चिदानंद वात्सायन अगे और डॉक्टर हरभजन सिंह के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन। तो ये बड़ा कठिन सा काम था। तो जब ये फिल्मी गीतों में साहित्य मैंने इस पर बहुत सा काम करना शुरू भी कर दिया, मुझे लगता था कि ये मेरा बहुत खूबसूरत एक शोध विषय है और इस पर अच्छा खासा काम हो सकता है। मैंने बहुत से फिल्मी गाने एकत्रित किए और मुझे बहुत से गाने याद भी हुए, मैंने गानों की, मुझे याद है गानों की छोटी छोटी किताबें मिलती थी, तो वो मैं किताबें खरीद के लाता रहा, मुझे बेहद गाने मुझे याद हुए और फिर मेरे मन में ये होता था कि गाना किसका लिखा हुआ है, किसने गाया है, कौन सी फिल्म में, तो ये बेस बन गया उस पर काम करने का। लेकिन इत्तफाक ये था कि मेरा उसमें, मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिला और फिर मैं नारी लेखन पर मुझे एक विषय जो मुझे मिला वो था साठोत्री हिंदी कहानी में प्रेम का बदलता स्वरूप, और ये था स्त्री पुरुष संबंधों में, हालांकि विषय थोड़ा सा हटकर था और इसको मैंने बहुत विस्तृत आकार दिया। तो थीसिस जो था उस समय था मेरा कोई 650 पेजेस का थीसिस, जिसे मैंने 1000 से ज्यादा किताबें बिब्लियोग्राफी में मैंने उसमें कोट की और बहुत मेहनत का काम किया, तो वो पीएचडी का मेरा विषय बना। तो उसमें नारी लेखन उसमें बहुत ज्यादा था, मुंशी प्रेमचंद से पूर्व जो युग था उसमें मैंने 15 कथाकार, प्रेमचंदोत्तर 30 कथाकार, यानी 45
जो लेखक लेखिकाएं हैं उन पर मैंने इंडिविजुअली काम किया, उसमें अधिकांश महिलाएं थी। मसलन राजी सेठ थी, मन्नू भंडारी थी, मालती जोशी थी, मेहरुनिसा परवेज थी। तो ये जो हमारी हिंदी लेखन की, मुझे लगता था कि कृष्णा सोबती थी, मुझे लगता था कि नारी लेखन में कोई दुराव छुपाव नहीं है। पुरुष लेखक जहाँ अपने मन की बात कहते हैं उन्हें बीच में डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं, नारी खुलकर अपनी बात कहते हैं। गुजारिश करूंगी अपनी वो रचना हमें दे दीजिए, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, और बापू की रचना आप सुना दीजिए हमारे दोस्तों को। ठीक है जी, एक गजल मैं सुना रहा हूँ। कि बेशक शाम को थक कर आते बाबू जी, वाह, बेशक शाम को थक कर आते बाबू जी, देर तलक हमसे बतियाते बाबू जी, जब मस्ती में झूम के गाते बाबू जी, जब मस्ती में झूम के गाते बाबू जी, तुलसी मीरा खूब सुनाते बाबू जी, क्या बात। और जब भी घर में शोर शराबा होता था, जब भी घर में शोर शराबा होता था, देर तलक भगवान को ध्याते बाबू जी, क्या बात। और सेहत सबसे बड़ी नियामत कह कहकर, सेहत सबसे बड़ी नियामत कह कहकर, कसरत हमसे खूब कराते बाबू जी। और ये देखे इसमें कि मेले में हमको लेकर जब भी जाते, मेले में अब कहाँ मेले खो गए तो सब, मेले में हमको लेकर जब भी जाते, छज्जू की रबड़ी खिलवाते बाबू जी। और मुझको ये बहुत हासिल गजल शेर था कि मुझको खोए बचपन जैसे लगते थे, मुझको खोए बचपन जैसे लगते थे, बालों में जब रंग लगाते बाबू। और इसमें मकता था कि जैसे खुद को खूंटी पर लटकाते हो, जैसे खुद को खूंटी पर लटकाते हो, लौट के यूं छतरी लटकाते बाबू। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, किस ख्याल में, ओ, दिल फंसा है बेकसी के जाल में, मतलबी जहां मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम, प्यार से पुकार लो जहां हो तुम। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड, फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह सागर जी। डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत जी शुक्रिया। आपके सम्मानों की बहुत लंबी लिस्ट है जी, तो आपका नाम किसी सम्मान का मोहताज नहीं है, फिर भी डेकोरम है। आज हम बात करने बैठे हैं तो मैं कुछ सम्मानों के नाम लूंगी, वैसे अगर हम नाम लेना शुरू करेंगे तो पूरा हमारा जो है अगला 2 घंटा इसे में निकल जाएगा। आपको शोभना अवार्ड से सम्मानित किया गया, युवा कला संगम अवार्ड आपको दिया गया, स्टेट प्रमोटर्स अवार्ड आपको मिला, उर्दू एकेडमी ने आपको अवार्ड दिया, आपको KS दहलवी अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको हिंदी सेवा अवार्ड आपको मिला, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से आप सम्मानित हैं, बहुत लंबे लिस्ट है, आपके स्वर मंदिर अवार्ड और बहुत कुछ, बहुत बहुत लंबे लिस्ट है। और एक आपको अवार्ड तो नहीं मिला लेकिन आप उसको बहुत बड़ा अवार्ड मानते हैं, कमलेश्वर ने आपको बड़ा सम्मान दिया, वो क्या है? क्या था कि मैं जब जिंद्र में PhD कर रहा था तो मैं लगभग सभी जितने जीवित लेखक है सब लोगों से मिला, ऑलमोस्ट सभी लेखकों के मैं घर पर गया, मैं उनसे मिला, मैंने उनको बताया। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि उनको लगता था कि एक सिख लड़का
हिंदी में काम कर रहा है जी जी। तो खास तौर से अजीत कुमार ने डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने इस बात को बहुत पॉजिटिव लिया कि एक लड़का जो हिंदी में काम करना चाह रहा है, सिख लड़का है, पंजाबी भाषी आदमी है जी जी। तो इसको हिंदी में काम करना, तो मुझे एक बहुत सम्मान मिला। तो मैंने सभी लेखक लेखिकाओं से मिला, मैंने इसी संदर्भ में आपने बात की थी, मुझे अच्छे लोग मिले, मैं इस बात को भी यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। क्या आपको बुरे लोग कोई मिला ही नहीं दुनिया में? मुझे कोई बुरा मिला नहीं है। असल में बात यह कि मैं जिन लोगों के पास भी गया, मुझे उन्होंने बेहद प्यार किया, बेहद स्नेह दिया, और मुझे अपनी किताबों के पूरे पूरे सेट दे दिए किताबों के, कि इन्हें ले जाइए, पढ़िए, इस पर काम कीजिए। उसके अलावा जो किताबें उनके घर पर उनके लाइब्रेरी में रखी थी वो भी किताबें मुझे दी गई। मैं मुझे याद है कमलेश्वर जी के यहाँ मैं बहुत ढूंढता ढांढता ही रोज गार्डन में आया उनके घर पर। दोस्तों आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कमलेश्वर जी हमारे फरीदाबाद में ही थे जब वो हमारे हमें छोड़कर चले गए, दुख भी है इस बात का। समय जगदीश चतुर्वेदी मेरे बहुत मुझे स्नेह करते थे, जगदीश चतुर्वेदी ने मुझसे कहा कि भाई कमलेश्वर भाई से आप मिलिए, और जिन पर आप काम कर रहे हैं राजेंद्र यादव से मिलिए, और मोहन राकेश जी। दोस्तों आपको याद होगा हमने राजेंद्र यादव जी को आपको मिलवाया हुआ है जी जी। तो कमलेश्वर जी के घर पर मैं आया, तो कमलेश्वर जी अपने घर पर मैंने उनको टेलीफोन किया। उस समय तो मोबाइल सुविधा नहीं थी, घर पर मैंने फोन किया, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं मुझे समय पर पहुंचना चाहिए, इतने बड़े आदमी को मैंने टाइम मैंने उनसे दिया है जी जी। जब उनके घर पर पहुंचा तो मुझे इस तरह मिले जैसे मुझे सदियों से जानते हैं। वाह वाह क्या। तो मुझे बहुत मेरे बगल गिर हुए, मुझे बहुत प्यार किया, मुझे गले से लगाया। तो सारी मेरी बात सुनने के बाद मुझे उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को आवाज दी, गायत्री सुनो ये शख्स आ गया जिसके जिनको मैं अपनी किताबें दे सकता हूँ। जो उनके पास एक एक किताब बची थी वो किताबें किताबें मुझे उन्होंने दी, तो मैंने बहुत सहज कर उन किताबों को रखा। ये बहुत बड़ा सम्मान था मेरे लिए। तो मुझे बहुत से लेखक लेखिकाओं ने, समाज के सभी लोगों ने, भले ही पंजाबी क्यों, भले ही हिंदी क्यों, भले ही उर्दू के लोग हों, सभी ने मुझे बहुत स्नेह दिया। अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे जिंदगी में जी। मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत, बड़े बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियां ये रहना और तुम। वाह वाह क्या बात है। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। सबको
छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 एफएम पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ बेहद ही खूबसूरत गायक भी हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह सागर जी। डॉक्टर साहब स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत जी शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि वातावरण मैंने बहुत बोझिल कर दिया तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जो इन दिनों एक किताब तैयार कर रहा हूँ वो है नाले पंगे। ओके, तो ये एक व्यंग्य संग्रह है। तो ये भी मेरा इन दिनों में तैयार हो रहा है। इसमें 22 मैंने उसको लेख तैयार किए हैं मैंने, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे उसमें लिए हैं। गर्व से को हम बदतमीज हैं और श्रम में जयते का शर्म में जयते। अच्छा, तो इस तरह के मैंने बहुत से उसमें जो स्टेटस सिंबल करके लिए हैं, बहुत से इस तरह के आर्टिकल दिए जो आपको गुदगुदाएंगे। हमारे समाज की जो विद्रूपताएं हैं, हमारे समाज की जो कमी है, मैंने उसमें उसमें उनको उजागर किया है। डॉक्टर साहब, आप पंजाबी अकादमी से आप जुड़े हैं, आप हिंदी अकादमी से जुड़े हैं, उर्दू अकेडमी से जुड़े हुए, आपकी अपनी एक संस्था है आरोह जो नेशनल लेवल की संस्था है और आप जिसमें विविध क्षेत्रों से अलग क्षेत्रों से आप लोगों को 20 लोगों को अवार्ड देते हैं। इसके बारे में, इस सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा। पंजाबी अकेडमी, हिंदी अकेडमी और उर्दू अकेडमी के साथ मैं जुड़ा रहा। मैंने पंजाबी और एक बात और डॉक्टर साहब कि ऐसा कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो इस सफलता के पीछे कौन सी खुश नसीब महिला है? देखिए ऐसा है कि ये आज आप घर जाने देंगी या नहीं जाने देंगी, मुझे लग रहा है नहीं जी, हम तो आपको रेडियो स्टेशन में बिठा के रखेंगे। इसमें क्या हुआ कि जब इन संस्थाओं से जुड़ा, भले ही वो पंजाबी अकेडमी थी हिंदी अकेडमी थी, तो ये जो इनके सचिव जो थे मेरे अच्छे मित्रों में थे और इनके साथ में जुड़ा। मैंने पंजाबी अकेडमी में सचिव के पद के लिए भी अप्लाई किया था एक बार, तो लेकिन मुझे लगता था मैं बैंक में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैंने उस जॉब के लिए खुद ही छोड़ दिया। तो पंजाबी हिंदी उर्दू अकेडमी से जुड़ा रहा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, आप साहित्य को अपना दिल से देना चाहते थे, टाइम कोई नौकरी बजाना नहीं चाहते थे। जी, नौकरी में यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उर्दू अकेडमी का मुझे अवार्ड, मेरी किताब थी जमा ज़रब तकसीम, और इस किताब को जब मुझे उर्दू का अवार्ड मिला, मुझे याद है मुझे स्क्रिप्ट उर्दू स्क्रिप्ट नहीं लिखनी आती थी, जब मुझे उनका जब मैंने किताब जमा कराई तो उनका जब खत आया तो मैं अपने पड़ोसियों के यहाँ के भाई इस खत को जरा पढ़ दीजिए। अच्छा। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपको तो इनाम मिलने वाला है उर्दू अकेडमी की तरफ से। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, मुझे मेरिट बेसिस पर पुरस्कार मिला। और जब मुझे ये पुरस्कार मिला तो मुझसे कहा गया वहाँ पर कि भाई ये एक बहुत अरसे बाद हमने कवर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब के बाद एक सिख लड़के को हम ये अवार्ड देने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उर्दू में गजल लिखकर। उर्दू मैंने छोटी बहर में बहुत कमाल हासिल की, बहुत अबूर हासिल किया। छोटी बहर में गजल कहना तो बिहारी के दोहे की तरह कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो मैंने छोटी बहर में गजलों में महारत हासिल की। क्या बात है। और गजल को मैंने गजल की तरह लिया, मैंने गजल में जिया। और बताइए उस सौभाग्यशाली महिला के बारे में और अपनी वो संस्था आप गोल कर रहे हैं आरोह के बारे में। आरोह संस्था जो है ये करीबन कोई 16 साल पुरानी संस्था है। जी जी। और इसमें हमारे साथ बहुत से जो विविध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, इसमें हमारे पैटर्न्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, और इसमें हम हर साल विविध क्षेत्र, हर एक क्षेत्र से, हर एक विधा से एक एक पर्सनैलिटी को लेते हैं। रेडियो से लेते हैं, दूरदर्शन से लेते हैं, खेलकूद से लेते हैं, पत्रकारिता से लेते हैं, और ये जो भी चैनल निकले यहाँ से लेते हैं, ड्रामा से लेते हैं, सीरियल से लेते हैं, तो हम एक 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 करके पुरस्कार देते हैं।
तो अलग अलग क्षेत्रों से हम लोग जहाँ जो मुझे याद है महाभारत जब सीरियल आता था हमने महाभारत के बहुत से पात्रों को बुलाकर हमने उनको पुरस्कार दिया था जी। ये हमारी संस्था इस साल भी हम ये 31 दिसंबर को किया करते हैं फंक्शन हर साल बिल्कुल साल के आखिर में, और इसके लिए हमारी एक बहुत अच्छी जूरी बनी हुई है जो ये फैसला करती है कि बिल्कुल मेरिट बेसिस पर पुरस्कार हो। बहुत खूबसूरत हम उसमें एक ट्रॉफी और साथ में एक प्रमाण पत्र देते हैं और कुछ एक हमने नकद पुरस्कार भी रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम इसके साथ जुड़े हुए हैं संस्थाओं के साथ और इस तरह काम कर रहे हैं और सफलता के पीछे राज। देखिए ऐसा होता है कि वैसे तो मैं अपनी माँ से बेहद प्रभावित हूँ, वो खुद एक अच्छी साहित्यकार हैं। वाह, नाम लेना चाहेंगे आप? जी, मेरी मदर है हरबंस कौर, मैं उनसे बेहद प्रभावित हूँ। लेकिन एक जो बड़ा पॉइंट मैं अच्छी बात आपको बता देना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं ये श्रोता सुनकर हंसेंगे या कहेंगे कि मेरी पत्नी बिल्कुल साहित्यिक नहीं है, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि सामने प्रेम पत्र भी पढ़ा हो तो वो उसको उनको पता नहीं लगेगा भाई क्या है, क्या पता प्रेम पत्र है या क्या। मैंने कहा ये मैं तो मेरे साहित्य का ही हिस्सा है, तो लेकिन तो आज आपने राज खोल दिया। हाँ, तो वो इनमें साहित्य की सौत कह सकता हूँ। तो कहते क्या दिन रात आप लिखते खपते रहते हैं, लेकिन उसको ये मालूम है कि ये जो शख्स कर रहा है ये समाज के भले के लिए कर रहा है और ये एक अच्छा काम कर रहा है, बहुत आशावादी। तो मुझे बहुत सहयोग देती है इसमें वो कि आप इसको लिखिए, मुझे इसके लिए बाकायदा समय देती है, उनका भी आभारी हूँ मैं। क्या बात है जी, शुक्रिया। ने समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा मिल गई मंजिल। डॉक्टर साहब, आपने अपने इतने कीमती समय में से समय निकाला और आप हमारे दोस्तों से मिलने चले आए, अपने दिल की जज्बातों को शेयर करने चले आए, मैं आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं? मुझे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा इस आपके इस रेडियो स्टेशन पर आकर और अपने श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिला, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। और दोस्तों, कमल कपूर जी कहती हैं, सृजन सुन रही हूँ, देश में छुपी प्रतिभाओं को खोजकर श्रोताओं से रूबरू कराना सृजन की खूबी है, गुमनाम या नवोदित और लब्ध प्रतिष्ठित हस्तियों को करीने से करिश्माई अंदाज में हमारे सामने प्रस्तुत करने का सारा श्रेय कोकिल कंठी सृजन की सिद्ध हस्त सूत्रधार माधुरी मिश्रा को जाता है। शुक्रिया कमल जी। मनोज केसरी कहते हैं, नजर झुकी तो पैमाने बने, दिल टूटे तो मैखाने बने, कुछ ना कुछ तो जरूर है आप में, यूं ही नहीं हम आपके शो के दीवाने बने। शुक्रिया मनोज जी। संदीप कहते हैं, सृजन लेके आया एक नया प्रयास, साथ में लेके आया सुंदर गीतों की सौगात। डॉक्टर हरविंदर बख्शी कहते हैं, वेरी वेल कंडक्टेड सृजन प्रोग्राम, मिसेस दुर्गेश बख्शी ज्वाइंस मी इन अप्रिशिएशन। नरेंद्र विरदी जी कहते हैं, जी आया नू खुशामदीद, आप बहुत मेहनती हैं, ये आसान काम नहीं है सेलिब्रिटीज का टाइम लेना और हमसे रूबरू कराना, और फिर भी आप कहती हैं कि यू विल इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन, आई एम रियली सरप्राइज टू हियर, लेट मी टेल यू, यू हैव वेरी गुड सिंपल स्पॉन्टेनियस नेचुरल एंड नॉन डेलिबरेट वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आई लाइक इट वेरी मच, सो कैरी ऑन, रिगार्ड्स, आपका शो बेहतरीन है, इट्स जस्ट एक्सीलेंट। आपने आज एक बार फिर बेहतरीन बातें सुनाकर मेरे दिल को रुला दिया। और दोस्तों, क्या आपको भी लगता है मैं बहुत मेहनती हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, और कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानोरचना? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanorachna.org पर भी, सो कीप लिसनिंग रेडियो मानोरचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव। ये फैसला जी हमें मंजूर है आपका, ये फैसला कहे
परछाइयां